हेलो दोस्तों, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 18 जुलाई 2021। और आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के क्वार्टर वन के नतीजों के बारे में। HDFC बैंक के क्वार्टर वन के नतीजों है वो कल यानी कि 17 जुलाई 2021 को पब्लिश किए गए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो दोस्तों, क्वार्टर वन के नतीजों को समझने के लिए हम उस क्वार्टर वन के रिजल्ट के PDF कॉपी पे आ चुके हैं, जिसको जो है बैंक ने दोनों एक्सचेंजेस को सबमिट किया था 17 जुलाई 2021 को। यानी कि दोनों एक्सचेंज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसे मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, BSE और NSE इंडिया। इस पे जो है बैंक ने अपने जो है क्वार्टरली रिजल्ट सबमिट किए थे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बैंक के फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। तो उस पर बात करते हैं, तो ये जो बैंक के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो है क्वार्टर एंडेड June 30, 2021 पे, यानी कि फाइनेंशियल 2021 के फर्स्ट क्वार्टर पे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मेनली, तो बैंक को जो है इनकम होती है वो इंटरेस्ट की होती है। यानी कि बैंक जो है पीछे से पैसे उधार लेता है और आगे जो है वो लोन और एडवांस के रूप में जो है वो पैसे को बांटता है, और उस पर जो इंटरेस्ट में का डिफरेंस रहता है वो उसकी इनकम होती है। यानी कि बैंक की इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम की बात करते हैं तो जो इस क्वार्टर की है उसमें बात करते हैं, तो दोस्तों जो बैंक है उसको जो जून क्वार्टर में जो टोटल इनकम हुई है इंटरेस्ट से वो है 38,93,336 लाख, वो जून क्वार्टर की है। और दूसरे क्वार्टर की कंपेरिजन करते हैं तो उसमें जो मार्च एंडेड होता है 2021 की, उसको जो बैंक की जो है टोटल इनकम हुई थी 40,90,949 लाख रुपीज़। यानी कि दोस्तों, बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम में अच्छी खासी तरीके से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू दी ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टरली। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग और कंटिजेंसीज के बारे में, तो उसमें जो है बैंक को 16,824 लाख रुपीज़ की जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है बिफोर प्रोविजनिंग और कंटिजेंसी से पहले। यानी कि अच्छी खासी जो है उसमें भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर फर्दर बात करते हैं उसमें, तो उसमें जो है बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है 7,92,209 लाख रुपीज़ का जो है टोटल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है बैंक को। यानी कि यह जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है काफ़ी बढ़ोतरी के साथ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो पिछले साल के क्वार्टर में जून क्वार्टर में जो कंपनी को जो है नेट प्रॉफिट होता 6,92,724 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और दोस्तों, फर्दर अगर हम बात करते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो जो इस क्वार्टर में जो बेसिक EPS है वो 14.4% है, और अगर बात करते हैं डाइल्यूटेड EPS की तो 14.3% है। और अगर बात करते हैं स्वयं क्वार्टर की पिछले साल में, तो वो था बेसिक EPS है 12.6% और डाइल्यूटेड EPS भी है 12.6%। दोस्तों, उसमें अगर हम फर्दर बात करते हैं तो कंपनी का जो मेन पैरामीटर होता है यानी कि NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट के बारे में, तो दोस्तों उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रोस NPA के बारे में। यानी कि उसमें जो है बैंक का जो है इस क्वार्टर में जो है ग्रोस NPA रहा है 1.47%, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। और अगर बात करते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर, तो उसमें जो है कंपनी का जो है NPA रहा है वो 1.32% रहा है। यानी कि NPA में जो किसी भी तरीके की जो इंक्रीजमेंट होती है तो बाज़ार उसको जो है वेलकम नहीं करता, यानी कि एक बहुत ही बैंक के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अगर दोस्तों फर्दर बात करते हैं उसमें NPA नेट NPA के बारे में, तो जो है 0.48% हुई है, और पिछले क्वार्टर अगर हम उसकी कंपैरिजन करते हैं तो 40% थी। और अगर बात करते हैं सेम उसी को जो पिछले साल के क्वार्टर के बारे में, तो उसमें जो 0.33% थी। यानी कि जो NPA के पैरामीटर पे बैंक का जो है थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन दिखाई दे रहा है। यानी कि इस वजह से जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो आपको देखना होगा कि इस चीज़ के लेकर के जो बाज़ार कैसे रिएक्ट करता है या किस तरह का बाज़ार रिस्पॉन्ड देता है NPA के पैरामीटर के बेसिस पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बैंक के रेवेन्यू पैरामीटर के बारे में, तो यानी कि बैंक को जो है किस सेगमेंट से किन तरह की रेवेन्यू जो है जनरेट हो रही है, या फिर बैंक किन किन सेगमेंट में जो है अपना काम कर रही है, यानी कि किन किन सेगमेंट से बैंक काम करके अपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं। बैंक को जो है मेनली ट्रेजरी से जो इनकम जनरेट होती है, उसके बाद बैंकिंग रिटेल बैंकिंग का काम करती है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होती है, उसके बाद होता है होलसेल बैंकिंग का काम करती है उससे वहाँ से वो जो है रेवेन्यू जनरेट होती है,
उसके बाद अदर जो बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं वहाँ से भी बैंक को रेवेन्यू जनरेट होती है, और फिर होता है कुछ अनअलोकेटेड एरियाज, वहाँ से भी बैंक जो है अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो अलोकेट नहीं किया जाता है स्पेसिफिकली, उस जगह से भी बैंक को जो है मेनली रेवेन्यू जनरेट होती है। और HDFC बैंक जो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, इसी तरीके उसी के हिसाब से जो बैंक सभी सेगमेंट में जो है डील करता होगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्राइडे को बैंक के जो है स्टॉक में जो है कारोबार के बारे में, यानी कि डेट वो रखी है वो 16 जुलाई के बारे में, तो जो दोस्तों बैंक का स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा था वो 1522.30 दिखाई दे रहा था। अगर बात करते हैं बैंक के क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में तो 25,85,340 शेयर जो है ट्रेड हुए थे, और अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में तो 11,75,158 शेयर्स की जो है डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि जो डिलीवरी के परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो तकरीबन 45.46% की डिलीवरी उठाई गई है। यानी कि बात करते हैं दोस्तों अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी की तो काफ़ी ठीक ठाक डिलीवरी उठाई गई है, लेकिन अगर दोस्तों बात करते हैं स्टॉक के NPA पैरामीटर के बारे में तो स्टॉक का जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है, यानी कि हम जब मंडे को बाजार खुलेंगे तब हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस स्टॉक के बारे में दोस्तों। तो ये थे HDFC बैंक के क्वार्टर वन के नतीजों के कुछ आस्पेक्ट जो हमने आपके साथ शेयर किए। कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं NPA के पैरामीटर को छोड़ के तो पूरे नतीजे जो है बैंक के काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बाज़ार है वो कैसे इस के क्वार्टर के रिजल्ट्स पे रिएक्ट करता है वो हमें अब देखना होगा। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।